On behalf of Samarthya classes, I welcome you all in today's lecture. तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टर्स, है ना, वेरियस शेप्स ऑफ कंडक्टर्स. पहला हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्ग कंडक्टर वायर, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर वायर, और तीसरा हम लोग जो पढ़े थे जो कि इंटरेस्टिंग भी था, नया था आप लोगों के लिए, इनफैक्ट शेप ही नया था, वो था सोलेनोइड के बारे में. ठीक है, तो जब सोलेनोइड के बारे में पढ़े थे, है ना, तो सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ अभी कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को सोलेनोइड बिल्कुल भी आना चाहिए, है ना. तो जो बच्चे डायरेक्ट ये टॉपिक पढ़ने आए हो पहले सोलेनोइड का वीडियो देख लो, है ना, उसके बाद है ना क्या करें हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे. मैं लास्ट में बताया भी था कि सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आया उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है. तो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म आती है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, है ना. अब देखो मैग्नेट आप जो डेली, है ना, आपके घर में कभी आपने अगर मैग्नेट देखा होगा तो वो परमानेंट मैग्नेट देखा होगा, है ना, जिसको चुंबक आप लोग कहते हो, है ना, आयरन नेल्स ये सब यूज जिसमें चिपक जाता है, तो वो एक परमानेंट मैग्नेट है. इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर यह होता है कि इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आती है, और जैसे ही स्विच ऑफ किया जाता है यानी करंट को रोक दिया जाता है वैसे ही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चली जाती है. तो इस तरह के मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. अगर आपसे कोई पूछे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो चूंकि आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही बस आंसर दे देना है. इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कोई दिक्कत इसमें. अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को साइंटिफिक, है ना, टर्म में या क्लास 10th के लेवल में कैसे डिफाइन करना है. तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ. ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोटो है, कुछ सोलेनोइड से नहीं मिलता जुलता लग रहा है, आप ही लोग देख सकते हो, है ना. सोलेनोइड में क्या होता था कि ऐसे ऐसे तार लपेटा हुआ होता था, यहाँ पर भी देखो वही तार लपेटा हुआ है, तो बेसिकली ये एक सोलेनोइड ही है एक तरह से, है ना. यहाँ पर बस सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग बीच में रख दिए हैं जो कि मैग्नेटरी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, है ना. क्यों सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज करते हैं, मैं सोलेनोइड टॉपिक में भी बताया था कि वो इस टॉपिक में होगा थोड़ी देर बाद, है ना. पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट ये एक तरह का मैग्नेट है कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसमें कि एक लंबा सा क्वाइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, आप देख सकते हो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्वाइल है, ठीक है, रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि आयरन कोर के चारों ओर रैप कर दिया गया है. दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द क्वाइल, जो कि मैग्नेटाइज तभी होता है जब इलेक्ट्रिक करंट इसके चारों ओर पास होती है ना. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तभी ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड होता है. मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आना ही मैग्नेटाइज्ड कहलाता है, ठीक है. खैर ये टॉपिक तो 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं हल्का सा बता दूंगा यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं तो फिर शायद आप लोगों को इंटरेस्ट जगे. बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो इसका फेमस है ना, एप्लीकेशन आप लोग कभी बुक में देखे होंगे या सुने होंगे कि जापान सब में, है ना, क्या कहता है, या चाइना सब में जो ट्रेन होती है पटरी से ऊपर चलती है, मतलब पटरी जैसे हम लोग के, है ना, इंडिया में क्या होता है चक्कर करता है, ये है ना ट्रेन पटरी से ऊपर चलती है, मतलब विदाउट एनी व्हील्स, है ना, बहुत फास्ट चलती है इनफैक्ट. तो वहां पर भी बेसिकली इसी चीज का एप्लीकेशन किया जाता है. वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा नहीं कि दो चार तार को लपेट दिए उससे तो उतना मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, है ना, एक बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट को पास करवाना पड़ता है, वो अलग बात है, हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा एप्लीकेशन इसका आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर यूज करते हैं, जब किसी पेशेंट में हल्का सा, है ना, आई सब में या किसी बॉडी पार्ट में अगर थोड़ा सा लोहे का चीज चला जाता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से, है ना, डॉक्टर उस आयरन पार्टिकल्स को बॉडी से निकालते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या खासियत है, स्विच ऑन करो इसमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक फील आ रही होगी करंट को बढ़ाकर, है ना, वो हम लोग बाद में देखेंगे भी, तो करंट को बढ़ा दीजिए तो ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो आयरन नेल दूर भी है बॉडी पार्ट में अंदर घुस गया वो उसमें चिपक जाएगा, फिर है ना करंट को ऑफ कीजिए वो आयरन पार्टिकल गिर जाएगा. और इसका एक एप्लीकेशन होता है म्यूनिसिपैलिटी में, जहां पे बहुत कुछ, है ना, कूड़े का जब ढेर होता है
तो वहां से क्या कहते हैं आयरन पार्टिकल्स को लोग चाहते हैं कि उसको अलग कर सकें, क्यों? क्योंकि वो रिसाइकलेबल होता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, एक बड़ा सा क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट होता है। उसमें क्या होता है कि है ना कूड़े के ढेर के सामने उसको ले जाया जाता है, जितने आयरन पार्टिकल्स है ना या जो भी है ना पार्टिकल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो है ना क्या कहते हैं उसमें चिपक जाते हैं, फिर क्रेन है ना दूसरी जगह जहां पर स्टोर करना है उसको वहां पर ले जाता है और स्विच ऑफ किया जाता है, तो सारा है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया, फिर सारा आयरन नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। आई होप कि आपको है ना इस एप्लीकेशन को नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, है ना। तीन एप्लीकेशन सब में आ गया, ट्रेन का बाद में देना, पहले कचरे के ढेर से है ना क्या कहता है वो आयरन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, फिर उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन बॉडी पार्ट से डॉक्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का किसी आयरन पार्टिकल को बाहर रिमूव करने के लिए, और तीसरा एक ट्रेन का भी दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया गया, देख सकते हो सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉइल को लपेट दिया गया है। इसका सोलेनोइड में मैं बताया था कौन सा फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, कौन सा फेस साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है ना। और ये भी याद होगा कि ये जो सोलेनोइड है ये बेसिकली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न आता है वो बिल्कुल जस्ट का तस बार मैग्नेट की तरह ही आता है, तो यहां पर भी वैसा ही आएगा, मैं बस यहां बनाना नहीं चाह रहा हूं, है ना। यहां पर देख लेते हैं कि जैसे स्विच ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा, मान लो स्विच ऑन की तो यहां पर करंट फ्लो करेगा, कैसे करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट निकला ये ऐसे गया, फिर देखो यहां पर मैं डॉटेड लाइन से नहीं बनाया, क्यों डॉटेड लाइन से नहीं, वहां डॉटेड लाइन बनाना पड़ रहा था, यहाँ पे तो आयरन कोर है ना, तो डॉटेड आपको वो दिखेगा नहीं, वो तो पीछे है ना, वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बनाया नहीं। लेकिन आपको समझ में आ सकता है कि ऐसे करके तार गया यहाँ पे गायब हो गया, गायब नहीं हुआ, वो पीछे चला गया जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो पीछे से आया, फिर देखिए यहाँ से फिर ऐसे करके आया, फिर पीछे से आया, फिर ऐसे करके आया, तो करंट इसमें कैसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे ऐसे करके फ्लो करता रहेगा, ठीक है, फिर यहां से ऐसे करके आ जाएगा करंट। अब याद करिए कि है ना कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा फेस साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था क्लॉक फेस रूल से, है ना। क्लॉक फेस रूल उसके पिछले लेक्चर में मैं समझाया था जब सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम लोग सीख रहे थे, तो यहां पर अब मैं वो रूल सब नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना पीछे जाकर लेक्चर में, वहां पे सोलेनोइड में मैं अच्छे से समझा भी दिया था। इनफैक्ट यहां पर है ना कैसे चल रहा है बता दूं क्या, देखो क्लॉक वाइज जब करंट होता है तो साउथ पोल बनता है उस फेस पे, है ना, उसके अपोजिट फेस पे जो दिख नहीं रहा है उस पे नॉर्थ पोल बनता है ना, तो क्लॉकवाइज करंट में साउथ पोल बनता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो नॉर्थ पोल बनता है। तो यहां पर देख लेते हैं कि तार कैसे लपेटा हुआ, देख सकते हो यहां से ऐसे तार गया फिर पीछे से गया, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे करके है। अब मैं इधर से देखूं यहां पर क्लॉक इमेजिन कर लो तो 12 यहां 6 यहां इधर 9 इधर 3 है ना, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है, तो यहां पर जो पोल बनता है बार मैग्नेट की तरह चूंकि होता है तो यहां नॉर्थ पोल बन जाता है, और उसी तरह से यहां पे देखोगे तो कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, है ना, इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां से ऐसे ऐसे निकलेगी और अंदर में साउथ से नॉर्थ निकलेगी, वैसे यहां पर यह सब चीजें बताना नहीं, सोलेनोइड में हम लोग देख चुके हैं। यहां पर अब हम लोगों को क्या जानना है, सबसे पहला पॉइंट सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, तो बाबू इसका स्टील क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर की एक प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट ये 12th क्लास में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही स्विच ऑन किए ये मैग्नेटाइज्ड होता है और जैसे ही स्विच ऑफ किए ये डीमैग्नेटाइज्ड तुरंत हो जाता है, ठीक है, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन स्टील जो होता है वो है ना थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर रख लेता है, स्विच ऑफ कर भी दिए तो भी है ना क्या कहता है वो थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रख देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जहां पर यूज है हम लोगों का वहां पे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने पास रख लो, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखना ही था तो उसके लिए तो परमानेंट मैग्नेट है ही, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए कि स्विच ऑन करे करंट का तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जबरदस्त है और स्विच ऑफ कर दे तो तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, दिस इज डिजायरेबल कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसलिए हम लोग यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। लिख लीजिएगा कि लिख दू, चलो लिख देता हूं, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड बिकॉज, ये बाबू बोर्ड में एक नंबर में आ भी सकता है ना कि वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, है ना, एज अ कोर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो मैं यहां पे उसका आंसर लिख रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड बिकॉज इट loses its magnetic
property when current is switched off. जब करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना, तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, खो देता है. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर की ये खासियत है. वैसले की क्या खासियत है कि वो रिटेन कर लेता है. तो ये सब आप लोग 12 में पढ़ोगे, रिटेंटिविटी इसको कहा जाता है. खैर ये समय क्यों बोल रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए. अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेट तो पढ़ लिए, समझ भी लिए, सोलेनोइड है बेसिकली एक तरह से. इसका किस किन फैक्टर्स पे स्ट्रेंथ इसकी डिपेंड करती है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना. पहला पॉइंट तो आप ही लोग बता दो यार, है ना. बेसिकली जो सोलेनोइड में आप लोग पढ़े थे ना, सारा चीज इसमें यहां पर भी आ जाएगा. तो पहला पॉइंट क्या था सोलेनोइड में, याद करो, करंट था, है ना, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. तो सबसे पहला क्या होता है, करंट, करंट इन द कॉइल. कैसे इस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी करंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की का, या घट जाएगा. ऑब्वियस है ना, आप सोच पा रहे होंगे, बढ़ जाएगा, है ना. तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ जाता है ना. अब एग्जाम में बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखना, वहां पे लिखना, सेंटेंस लिखना, है ना. इफ वी इंक्रीज द करंट ऑफ द कॉइल, करंट इन द कॉइल, देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज, है ना. ये सेंटेंस लिखना, मैं यहां पर समझाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया हूं. सेकेंड पॉइंट, और किस पे डिपेंड कर सकते हैं, सोचिए सोलेनोइड में किस पे डिपेंड करता था, शायद मुझको याद है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. इस पे भाई कैसे डिपेंड करेगा, बढ़ेगा या घटेगा. मान लो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, क्या लग रहा है आप लोगों को, बढ़ेगी ना. हाँ मैं बताया अभी तक, एक कॉइल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, का वैल्यू आता है, पांच कॉइल की वजह से फिर वो जुड़ता जाता है, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेंस क्या है, सेम ही है ना, सेम सेंस में करंट मूव कर रही है. तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इसकी. तो यहां पर भी मैं क्या लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और तीसरा क्या था पॉइंट, याद करो, नेचर ऑफ कोर मटेरियल वहां पे था, है ना. वहां पर मैं लिखा था कि कोर मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है. मैं समझाया भी था कि प्लास्टिक ऑब्वियसली यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, लेकिन यहां पर क्या है कि नेचर ऑफ कोर मटेरियल नहीं यूज, है ना, नहीं मैं लिखना चाह रहा हूं पॉइंट, क्योंकि यहां पर एक तरह से लगभग फिक्स ही है कि सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, जो भी है ना, क्या कहता है, प्रैक्टिकल पर्पज है, तो सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज किया जाता है, तो फिर क्यों ही लिखा जाए इसको, है ना. तीसरा कुछ और पॉइंट लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट है जो कि नया है आप लोगों के लिए, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स. ये नया पॉइंट है, इसको समझिए अच्छे से, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, ये दो पोल है, पोल के बीच का जो लेंथ है ना उस पर डिपेंड करता है. मतलब कि अगर है ना एयर गैप, यहां पे एयर है बेसिकली, तो वो गैप हो जा रहा है पोल, है ना, दो पोल के बीच. तो अगर है ना एयर गैप को आप घटाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बढ़ जाएगा. तो इसीलिए है ना क्या कहता है, ऐसा प्रैक्टिकल पर्पस में ये क्या कह सकते हो, बार मैग्नेट या है ना रेक्टेंगुलर टाइप का सॉफ्ट आयरन कोर यूज नहीं किया जाता है, अब है ना वो हॉर्स शू टाइप का यूज किया जाता है. हॉर्स शू समझ में आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके यहां पर है ना क्या कहते हैं, रैपिंग रहती है ऐसे करके, समझ में आ रहा है. और फिर यहां से फिर ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है. तो यहां पर क्या, एक तरफ नॉर्थ बनता होगा, एक तरफ साउथ बनता होगा, तो यहां पर लेंथ ऑफ एयर गैप क्या हो गया, कम हो गया, है ना. तो लेंथ ऑफ एयर गैप को जब कम करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा. इसके इसमें कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली मतलब कि लेंथ ऑफ एयर गैप को घटाओगे तब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ेगा.
यस को अच्छे से मैं लिख ही देता हूं। इफ द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स इज रिड्यूस्ड देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा इंक्रीजेस, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक बार फिर से जल्दी से नर्सरी में डिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, देख लेना। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। इसका एप्लीकेशंस क्या था, कहां यूज होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मैं बता दिया। डॉक्टर यूज करता है, और क्या बताया था, मैग्नेटिक मटेरियल को कचरे के ढेर से सेपरेट करने में यूज होता है। फिर ट्रेन वेन भी मैंने यूज होने लगा आजकल, पावरफुल मैग्नेट, वहां तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, कंप्यूटर से उसको कंट्रोल किया जाता है। और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बिकॉज इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन करंट इज स्विच ऑफ, क्योंकि जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन कोर से हट जाती है, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। तो स्टील का यूज जो किया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है, और सॉफ्ट आयरन कोर का टेम्पोरेरी, है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज होता है। किन किन फैक्टर्स पे इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। करंट को बढ़ाओगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को बढ़ाओगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज, एंड लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, इफ यू विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब मैं यहां पर एक आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप लोग क्या डिफरेंस देख पाए हैं, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, है ना, जानते हैं डिफरेंस लिखना, ऐसे लाइन खींचते हैं बीच में, ऐसे लाइन खींचते हैं, यहां एक पॉइंट लिखते हैं, उसी का ऑपोजिट पॉइंट इधर लिखते हैं, है ना। तो ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा, वैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं यहां पे। पहला पॉइंट क्या होगा कि बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, है ना, वहां परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रहती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट इज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट, है ना। हियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम्स ओनली व्हेन करंट इज गिवन टू देम, ठीक है, जब करंट को स्विच ऑफ किया जाता है तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, एंड जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो जाती है। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो आप लोग कि परमानेंट मैग्नेट जब बन गया तो उसकी मैग्नेटिक है ना पावर जो उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो जो बन गया जिस स्ट्रेंथ का वो वही रहेगा। हाँ, समय के साथ वो थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, घटती ही जाती है उसके इफेक्ट, है ना, वियर एंड टियर होगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ को हम लोग चाह के चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। हाउ वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हियर आर दो थ्री पॉइंट्स, है ना, यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, है ना। तीसरा पॉइंट और क्या सोच सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को, हाँ, परमानेंट मैग्नेट को आप जैसे कि यहां सॉफ्ट आयरन कोर से बनाते हैं, एक डिफरेंस ये लिख देना कि परमानेंट टेम्पोरेरी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट किन किन चीजों का बना हुआ रहता है, स्टील का बना हुआ रहता है। अब देखो स्टील भी नहीं रहता बेसिकली, वहां भी एलॉय होता है, है ना, कोबाल्ट स्टील, है ना, ये सब, है ना, क्या कहते हैं, और एक दो एलॉय टंगस्टन स्टील, है ना, कार्बेनियम स्टील, ये सब का एलॉय बना के परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग डिफरेंस लिख पाओगे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तीन चार पॉइंट लिख देना बस, हो गया, ठीक है। तो फिर या ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना, नोट पहले इसको नोट करो, ठीक है, फिर मैं उसको वहां पे नोट कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। हाँ तो बाबू, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डिफरेंस, है ना, चलो एक बार देख ही लेते हैं। एक सेट पॉइंट में उस टाइम छूट गया था जस्ट पहले, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस है। बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट भी कहा जा सकता है, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस पूछे तो यही वाला लिखना है यहाँ पर भी। तो बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट बट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट, एंड व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली रिमेंस एज लॉन्ग एज वी आर प्रोवाइडिंग करंट टू इट,
एंड सेकेंड पॉइंट इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड. मैंने जस्ट अभी पहले बताया है ना कि वंस अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड है ना, इट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड. बट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ऑलवेज बी चेंज्ड है ना, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. थर्ड पॉइंट इज पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड. पोलैरिटी, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट? इट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है ना. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो परमानेंट मैग्नेट का एक बार बना चुके हो तो वही पोल हमेशा रहेगा है ना. नॉर्थ पोल वही रहेगा एक तरफ का एंड और साउथ पोल एक दूसरे तरफ का एंड रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. बट यू कैन चेंज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. हाउ यू कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल है ना. जैसे कि मैं अभी बताया था यहां पर कि ऐसे करके करंट आ रहा था ठीक है, तो इधर नॉर्थ पोल बन जा रहा था. अगर करंट को ऐसे घुमा दो, उल्टे डायरेक्शन में घुमा दो, तो इधर क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा. और उल्टे डायरेक्शन में करंट को आप कैसे घुमा सकते हो? तो बस बैटरी का पोलैरिटी को चेंज कर दो है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे डायरेक्शन में लगा दो, तो आप चेंज कर सकते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल को. चौथा जो इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट जो या परमानेंट मैग्नेट जो बनता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक होता है ना, मतलब कंपैरेटिवली कह सकते हो वीक होता है ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रांग होता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथों में होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं है ना. उसी मोमेंट पे आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को बढ़ा दो तो फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. एयर गैप को रिड्यूस कर दो, यानी हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट है ना, हॉर्स शू टाइप का क्या कहते हैं आयरन पोल में इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दो तो फिर बढ़ जाएगा ठीक है. तो ये हमारे हाथ में होता है. तो बेसिक ये डिफरेंसेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू ये डिफरेंसेज. बोर्ड में अक्सर दो या तीन नंबर में आते हैं, जितने नंबर के हैं उतने पॉइंट लिख दो तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे खत्म होता है. तो मैं जैसे कि पहले बोला था कि जैसे ये वाला टॉपिक खत्म होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये वाला पोर्शन पूरा नहीं खत्म होगा, तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा है ना, न्यूमेरिकल्स कुछ मतलब क्वेश्चंस, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो है ना इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे. तो फिर नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए है ना, और रिविजन करते रहिए पुराने लेक्चर्स का भी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.